और कवर्धा में नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दो दिन पहले जिला प्रशासन ने मतदाता सूची का प्रकाशन किया था, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। दावेदार और मतदाताओं दोनों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी मतदाताओं के नाम को लेकर हुई है, जहां वार्डों में जनसंख्या से ज्यादा मतदाता नजर आ रहे हैं। वहीं कई मतदाताओं का नाम बिना किसी सूचना के ही काट दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि कई मतदाताओं का नाम किसी अन्य वार्ड में जोड़ दिया गया है। भाजपा के दावेदार जहां इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे सही होने का दावा कर रहे हैं। मैं खुद उसमें शिकायत किया था, किंतु परिसीमन में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है और परिसीमन में अपने हिसाब से वार्डों का विभाजन किया गया है, जिसमें जनसंख्या से ज़्यादा मतदाता हैं और इस कारण से बहुत असमानता है। कई वार्ड बहुत छोटे हैं और कई वार्ड बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बात उसमें बहुत सारी दावा पत्ति प्राप्त हुई, लगभग 27 प्रकरण उसके दर्ज हुए, जिसमें काफ़ी लोगों का नाम जो त्रुटि था, क्योंकि ERMS सॉफ्टवेयर के थ्रू इस बार जो परिसीमन किया गया था उसमें जो शिफ्टिंग की गई थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जनसंख्या के आधार पे हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी। बाकी संगठन कांग्रेस पार्टी इस कमी को, इस खामी को या जो परेशानी आएगी उसको दूर करने के लिए